नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पंचायत चरथावल में चेयरमैन सतेंद्र त्यागी ने नगर में कोरोना फाइटर सभी सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ साथ सभी सफाई कर्मचारियों को पीपी किट प्रदान की तथा स्वयं चरथावल कस्बे में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। कोरोना वायरस के बचाव के लिए चरथावल नगर पंचायत के अध्यक्ष सतेंद्र त्यागी ने नगर पंचायत कर्मियों को 58 पीपीई किट वितरित की। दरअसल नगर पंचायत चेयरमैन सतेंद्र त्यागी ने कार्यालय में 58 सफाई कर्मियों को कोरोना नाम की महामारी से बचाव के लिए पीपीई किट वितरित की और कहा कि नगर पंचायत सफाई कर्मचारी अपने परिवारों की परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे हैं और कस्बे की गलियों व नालों से गंदगी निकालकर नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा निभाने वाले कर्म योद्धाओं के प्रति हम सभी देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम भी उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के आगे पूरी दुनिया बेबस दिखाई दे रही है। नामचीन देशों में इस संक्रमण बीमारी से त्राही त्राही मची हुई है। सफाई कर्मचारी पूरे कस्बे को सैनिटाइज करने में युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। इसके अलावा नगर पंचायत चेयरमैन सतेंद्र त्यागी द्वारा चरथावल कस्बे को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले मेन रोड, पीएनबी बैंक, एटीएम आदि जगहों को सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा सैनिटाइज करते हुए राजीव मार्केट आदि को सैनिटाइज किया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस की लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को गांव दधेड़ू में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 12 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की होम डिलीवरी करते हुए एफआईआर के प्रति आरोपियों के मकान पर चस्पा की। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस की थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के नेतृत्व में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को थाना अध्यक्ष चरथावल सुबे सिंह के नेतृत्व में दधेड़ू चौकी इंचार्ज राजकुमार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर गांव दधेड़ू निवासी कुलदीप पुत्र लाला, जोगेंद्र पुत्र हरिराम, कुलदीप पुत्र पूरण, नीलू पुत्र रविंद्र, मोनू पुत्र सोमपाल, रविंद्र पुत्र राजवीर, राहुल पुत्र महकपाल, कमल, अमित, सोनू, सागर, जितेंद्र के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करते हुए एफआईआर की होम डिलीवरी कर एफआईआर के प्रति आरोपियों के मकान पर चस्पा की। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव पंचायत आखलोर के ग्राम प्रधान व अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला महासचिव विजय कुमार त्यागी व ग्राम सचिव मोहसिन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए गांव को सैनिटाइजर कराया। ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों को पूरे गांव में कोरोना जैसी आपदा से बचाव के लिए सैनिटाइज स्प्रे पूरे गांव में कराई गई एवं साथ ही साथ सभी ग्रामवासियों से अपील की गई कि सभी अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने अपने घरों में ही रहें। कोरोना से बचना है तो घर में अंदर रहना है, बचाव से ही जीवन सुरक्षित है। आप सुरक्षित घर पर रहेंगे तभी गांव सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। जागरूक करते हुए ग्राम प्रधान ने लोगों को बताया कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में अंदर ही रहें और आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलें। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के सभागार में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर व कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर विकास खंड चरथावल में दो कर्मठ सफाई कर्मचारियों रमेश्वर व अनंग पाल को ईडीओ पंचायत संदीप चौधरी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, ईडीओ आईएसपी राजेंद्र कुमार, ईडीओ पंचायत संदीप चौधरी, निरंकार त्यागी, लेखाकार रामफल, तहसीन बाबू, निशु कुमार, शाहनवाज उर्फ अन्नु, अनंगपाल, रामेश्वर, स्वच्छाग्रही गौरव वर्मा आदि मौजूद रहे। पंचायत दिवस के अवसर पर आज 24 अप्रैल 2020 को समय 11 बजे से सुबह 12 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के प्रोग्राम का वेब लाइव टेलीकास्ट आज विकासखंड चरथावल पर लैपटॉप के सहायता से किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रतिनिधि श्री रवि पुंडीर, एडीओ आईएसबी श्री राजेंद्र कुमार जी, एडीओ पंचायत श्री संदीप चौधरी, वरिष्ठ लिपिक श्री निरंकार त्यागी जी, ज्येष्ठ लिपिक श्री रामफल जी, उर्दू अनुवादक श्री तहसीन जी, कंप्यूटर ऑपरेटर श्री निशु कुमार, सफाई कर्मी श्री अनंतपाल एवं श्री रामेश्वर कुमार, स्वेच्छाग्राही श्री गौरव वर्मा, क्षेत्रीय संभ्रांत व्यक्ति श्री अन्नु आदि आज के लाइव प्रोग्राम देखने में उपस्थित रहे हैं। आज लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम के तदुपरांत
राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर विकासखंड चरथावल में दो कर्मठ सफाई कर्मियों श्री रामेश्वर एवं श्री अनंतपाल को प्रशस्ति पत्र देकर एडीओ पंचायत एवं प्रभारी खंड विकास अधिकारी चरथावल द्वारा सम्मानित भी किया गया है। धन्यवाद। देहरादून के वार्ड नंबर 78 के पार्षद रमेश कुमार मंगू ने शुक्रवार को गरीब विधवा व किराएदारों और असहाय लोगों को 488 पैकेट सूखा राशन वितरित किया। इस मौके पर रमेश कुमार मंगू ने कहा कि अपने वार्ड में रहने वाले गरीब और बाहर से आए किराएदार मजदूरों व असहाय लोगों की सेवा में हमेशा वह तत्पर हैं। अधिकतर लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, जिन्हें जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन मिल रहा है। वहीं जिनका राशन कार्ड अभी नहीं बना है और प्रक्रियाधीन है, ऐसे गरीब विधवा व बाहर से आए किराएदार मजदूर व असहाय लोगों के बीच सूखा राशन बांटा गया है। यह आगे भी जारी रहेगा। हमारे वार्ड की किसी भी तरह की गरीब को परेशानी नहीं हो, इसके लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वार्ड के सभी गली मोहल्ले में सफाई व्यवस्था भी प्रतिदिन कराई जाती है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, लांचल शर्मा, पार्षद रमेश कुमार उर्फ मंगू, सुनील कुमार, वार्ड अध्यक्ष विजयपाल सिंह, विकास कुमार, सुभाष धमानी, सिद्धार्थ कुलजीत, कमल वीरेंद्र, राजेश परमार, हरिभट्ट मोहन, गुरु विपुल आदि मौजूद रहे। जिसमें कि हम लोग अभी यहाँ पर आए थे, जिन लोगों को राशन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन दिया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार डिस्टेंस को लेकर बात कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि डिस्टेंस कुछ नहीं मिला है। लोग करीब करीब खड़े हुए हैं इतने लोगों की भीड़ के बाद, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हुए थे जिन्होंने बाइट देने से भी इनकार कर दिया और वो चले गए। बाकी ये है कि अगर गरीब लोग हैं, हमने एक सवाल इनसे पूछा कि आप लोग किराएदारों की कितनी सूची है, उन्होंने बड़े सोचकर ये जवाब दिया कि हमारे पास 450 के आसपास लोगों की सूची बताई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि क्या बोलते हैं, हम लोगों को अभी ये नहीं है, हम लोग लगातार दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या ये किसी चीज़ पर प्रशासन ने इस चीज़ का इनको क्या परमिशन दी है कि ये डिस्टेंस ना बनाए और लोगों को घर में रहने की बात कर रहे हैं, एक तरफ इस तरफ भीड़ जमा करने की उन लोगों को परमिशन मिली है। जैसे हमारे पड़ोस में 2-3 वार्ड और हैं हमारे कांग्रेस के, जिसमें हरि प्रसाद भट्ट जी, राजेश परमार जी, श्री मोहन गुरुंग जी, ये भी पार्षद सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, और यही हो रहा है कि कोई भूखा ना सोए, चाहे वो बाहर से आया हुआ हो, किराएदार हो या गरीब मजदूर हो जो काम नहीं कर पा रहा है, खाली बैठा है। तो कोशिश यही है कि जितना हमारा क्षेत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन मुहैया कराया जाए या पका हुआ भोजन मुहैया कराया जाए, तो सभी लोग मिलजुल कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, आज जो आप राशन बांट रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग उपस्थित हैं अभी? हमारे 4 वार्ड के पार्षद थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, महानगर अध्यक्ष जी थे, हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, बाकी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। सहारनपुर क्षेत्र के लेबर कॉलोनी रोड पर अभी हाल ही में 6 वर्ष पहले बनी सड़क अचानक 1000 मीटर तक फट गई, जिसमें जमीन से 2 फुट ऊंची नजर आई। सड़क के अचानक फटने से लोगों की भीड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। सड़क को देख पुलिस भी अचंभे में पड़ गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अंदरूनी भूकंप आया था और कुछ का कहना है कि सड़क गैस की वजह से फटी है। वहीं सड़क को देखने आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां मंदिर के आकार की सड़क देख अचंभा हुआ। वहीं पुलिस की मदद से सड़क को ट्रैक से नीचे बामुश्किल बिठाया गया और लोगों की मदद से टूटी सड़क को साफ कराया गया। हरिद्वार उत्तराखंड चार धाम यात्रा वर्ष 2020 का शुभारंभ करते हुए प्रतिक्रमक रूप से टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सुमो यूनियन, टैक्सी यूनियन, ट्रैवल व्यवसाय, टूर ऑपरेटर, यात्रा से जुड़े संबंधित सभी व्यापारी प्रतिनिधियों ने टैक्सी मैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा के संयोजन में बिरला चौक स्थित मकर वाहनी जानवी मंदिर के बाहर कोविड-19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरियों के साथ प्रतिक्रमक रूप से गंगा मंदिर के बाहर से ही मत्था टेक कर सभी चार धाम यात्रा से संबंधित व्यापारी ने मां गंगा तक दूधीय पूजा सामग्री के साथ
साथ कलश यात्रा निकालकर बिरला घाट पर विधिवत रूप से पंडित सोनू शर्मा द्वारा मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य यजमान के रूप में टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी भाटिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा, कोषाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, सचिव संजय शर्मा ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड गंगोत्री यमुनोत्री के पट 25 मई से पूजा अर्चना के लिए खोले जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए सरकार से अपनी मुख्य मांग, जिसमें प्रमुख रूप से एक साल 2020 का उत्तराखंड परिवहन प्राधिकरण द्वारा टैक्स वाहनों को टैक्स माफ किया जाना, टैक्सी चालकों के खातों में सरकार द्वारा अनुदान राशि दिए जाने व सभी टैक्सी वाहनों की बीमा योजना को एक वर्ष 2020 तक के लिए स्थगित किए जाने की मांग को भी पुनः दोहराया गया। हमने चारों धाम की यात्रा के प्रबंध में अपना जो है गंगा मैया वगैरह को याद करके पूजा अर्चना वगैरह की। जो चार धाम यात्रा आज से चालू हो रही है उसके लिए प्रशासन को भी पता है, हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया था कि हम लोगों की चार धाम यात्रा जो मैक्सी टैक्सी है सब गाड़ियां पिछले नवंबर से खड़ी हैं, और जो भी चार धाम यात्रा के लिए हम प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि हमारा 2 साल का टैक्स और जो बीमा 1 साल के लिए और जो परपत्र है उनमें भी 1-1 साल के लिए छूट दिया जाए और बैंकों की किस्तों में ब्याज की छूट दिया जाए। अगर प्रशासन मुख्यमंत्री शासन हमारी नहीं सुनता है तो उसके बाद जो है हम प्रत्येक सांसद प्रत्येक विधायक प्रत्येक जनप्रतिनिधि के पास जाके और चिट्ठी वगैरह लिख के शासन प्रशासन को अवगत करवाते रहेंगे। और हमको ये एहसास सरकार दिलाए कि हम हमारे साथ सरकार खड़ी हुई है, लेकिन अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे उत्तराखंड का हर परिवार इस रोजगार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ गाड़ी मालिक हैं, कुछ होटल मालिक हैं, कोई घोड़े वाले हैं, कोई खच्चर वाले हैं, इवन यहाँ तक कि प्रसाद बेचने वाला भिखारी तक भी हमारे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यात्रा से ही जुड़ा है, क्योंकि जब श्रद्धालु हरिद्वार में आता है तो वो समस्त जगह पे खर्च करता है, उसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा आदमी इससे नहीं जुड़ा हुआ, इसमें समस्त मिस्त्री हैं मजदूर हैं, क्योंकि जब हम पैसा कमाएंगे जब यात्री आएगा तभी वो पैसा पूरे उत्तराखंड में सर्कुलेट होता है। परिवार से कह रहा हूँ, हर परिवार जुड़ा हुआ इसमें, मैं तो इसमें बिल्कुल ट्रैवल व्यवसायियों की और मोटर व्यवसायियों की पीड़ा को समझते हुए मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर 75% अगर व्यापार है तो ये मोटर व्यवसायी हैं। अब उसमें चाहे सुमो चलाने वाले हों, चाहे उसमें टवेरा चलाने वाले हों, चाहे जितनी भी हमारी मैक्सी टैक्सी गाड़ियाँ हों, और बस के चालक हों और बस के मालिक हों, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका 1 साल का जो एसटीएन से वसूली करता है परिवहन प्राधिकरण, 1 साल का जो है जनहित में इनके जो टैक्स की वसूलियाँ हैं वो माफ़ की जानी चाहिए पूरे 1 साल की 2020 की। और दूसरा जो इंश्योरेंस इनसे वसूला जाता है इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा, वो भी 1 साल के लिए स्थगित किया जाए। तीसरा जो हमारे चालक हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, लगातार सरकार उनके लिए अनुदान की योजना भी चलाए हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आज के इस पावन पर्व पर के तमाम जो असंगठित क्षेत्र के हमारे चालक हैं उनको भी उचित रूप से अनुदान राशि उनके खातों में दी जाए, ताकि वो अपने परिवार की जीविका को चला सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इन सब मांगों को लेकर आज हमने इस कार्यक्रम को किया है, और निश्चित रूप से हमारी माँ गंगा से प्रार्थना है, माँ गंगा से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि माँ गंगा इस कोरोना वायरस का खात्मा करे, और उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से चारधाम यात्रा पूर्व की भांति चलती थी, इस उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा पूर्व की भांति चले और हमारे उत्तराखंडवासी। मेरठ के मवाना तहसील में एक ही जमीन के दो दो बैनामे किए गए। दरअसल मामला बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर शाकिस्त का है। नरेंद्र सिंह निवासी मोहम्मदपुर शाकिस्त ने आरोप लगाया कि गांव के ही सतीश पुत्र बीर सिंह ने कुछ समय पहले जमीन खरीदी थी। आरोप है कि उसने धोखाधड़ी से वही जमीन किसी दूसरे पक्ष को भी बेच दी। पीड़ित नरेंद्र ने बताया कि वह शुगर का मरीज है और उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। खेत में गेहूं की फसल तो हमने बो दी थी, अब कटाई के समय जब हम खेत पर गए तो जालसाज सतीश व उसका साथी मोहित पुत्र चंद्रपाल कुछ दबंगों साथियों के साथ उसके खेत पर आ गया और उसके साथ मारपीट करते हुए धमकी दी कि यदि वह दोबारा खेत पर दिखाई दिए तो उन्हें जान से मार देंगे। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। असल में हमने सतीश से जमीन खरीदी थी और वो हम उसमें रखी है घूमा, और उन्हें कट्टर जाते हैं तो वे हमारे मार पीटते हैं, हम नहीं कट्टर दे रहे, हमें खूब मारते हैं, जब भी हम जाते हैं जमीन में हमारा मारते हैं।
पुलिस को तहरीर दिया आपने? उसको दे रखी है। जमीन का मामला है जी, जमीन जो है 7.5 बीघे ली है हमने सतीश कुमार से ली है, और इसके साथ में मोहित कुमार है, चंद्रपाल है, ये लग रहे हैं, एक लक्की है जो अपने को प्रतिनिधि बताता है इसमें नेता है, और कुछ लोग गांव समाज के दमंग लोग जो हैं वे लगे हुए हैं, हमें मारपीट करते हैं जब भी हम गेहूँ काटने जाते हैं, जब भी हमारे साथ में मारपीट होती है, और हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दे रखी है, एक एप्लीकेशन दे रखी है, उन्होंने कहा है भाई हम तुम्हारा देखेंगे इस मामले को क्या है इसमें क्या नहीं है, और देख के ही देखेंगे, पुलिस जांच कर रही है, जांच कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम ने पुरकाजी की हर गली के बाहर पुलिस जीप से लाउड स्पीकर द्वारा मुस्लिम समाज से रमजान के महीने में अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इबादत करें, इसकी अपील की। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है, मुस्लिम समाज के लोग सरकार का सहयोग करें। थाना प्रभारी ने रोजा रखकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जल्द से जल्द इस मुल्क के लोगों को कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाए तथा देश में आपसी भाईचारा व अमन चैन कायम रखें। थाना प्रभारी ने कस्बे में घूमकर माइक से अनाउंस कर शनिवार से शुरू होने वाले रमजान के मद्देनजर नमाज तरावीह आदि सामाजिक दूरी के साथ घर पर ही पढ़ने की अपील की। रमजान महीने में रोजादारों से लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर नमाज अदा करने, इबादत करने और सामूहिक रूप से रोजा इफ्तारी ना करने की गुजारिश की। जनपद मुजफ्फरनगर के छपार कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ा भोकारेढ़ी मार्ग पर बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी अंकित धीमान पुत्र ओम दत्त धीमान क्षेत्र के गांव बसेड़ा में स्थित बिजली घर के पास कार्य करता है। गुरुवार की शाम को वह ड्यूटी समाप्त कर बाइक पर सवार होकर सिकंदरपुर जा रहा था। बसेड़ा मोड़ना मार्ग पर जैसे ही वह नहर के पुल के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही खड़े दो युवकों ने उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर रुकवा लिया और उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। कमर में गोली लगने से वह लहूलुहान हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही एसपी सिटी सतपाल अंतिल भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन कराने में दुकानों पर लगने वाली भीड़ के सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मीरापुर थाना परिसर में इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने कस्बे के व्यापारियों व मेडिकल स्टोर स्वामियों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि सभी व्यापारी अपनी जिम्मेदारी समझकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का पालन करने में पुलिस की मदद करें। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर शुक्रवार को मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने क्षेत्र के व्यापारियों, मेडिकल स्टोर संचालकों व भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग करते हुए उनसे सहयोग की अपील की। इस दौरान मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने मौजूद व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी किराना व्यापारी, मेडिकल स्टोर संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग अपने मोहल्ले के सभी लोगों तथा दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उचित दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।